राधा क्या कर रही हो ये? दोपहर के इस प्रहर में दीपक जला रही हो तो? दीपक समय देखकर नहीं जलाया जाता, अवसर देखकर जलाया जाता है। और ये विजय का अवसर है, कृष्ण का विजय दीपक। उस अपार शक्तिशाली कंस के समक्ष वो ग्वाला कृष्ण जीतेगा। जैसे कंस के समक्ष उस कृष्ण का जीतना संभव है, वैसे इस गांव में तुम्हारा कृष्ण के लिए विजय दीपक जलाना असंभव है राधा। तो ठीक है, नहीं जलाऊंगी मैं, किंतु ये मेरे कृष्ण का विजय दीपक है। जब कृष्ण विजयी होगा तो ये सारे दिए स्वयं जल उठेंगे। मूर्खता की सभी सीमाएं लांघ चुकी हो तुम राधा। अपने नेत्र खोल के देखो, जल है इन दियों में और दिए कभी पानी से नहीं जला करते। हाँ, मैं प्रेम की हर सीमा लांघ चुकी हूँ मैं, जहाँ केवल अनंत विश्वास, प्रेम की शक्ति। और इसी विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि जल में भी ये दिए जलेंगे। मथुरा के वासियों, आज तुम सब देखोगे कंस क्रोध की चरम सीमा, देखोगे संसार की सबसे भयानक मृत्यु, देखोगे तुम सब। मैं बताता हूं संसार क्या देखेगा। ये संसार पाप का नाश देखेगा कंस। आज संसार देखेगा अहंकार का पतन। आज संसार देखेगा पुण्य धर्म की स्थापना। आ जाओ कंस। जैसा तुच्छ ग्वाला कदापि मेरा अंत नहीं कर सकता, कदापि नहीं। जिसके साथ माता पिता का स्नेह है, उनका आशीर्वाद है,
वो कदापि हार नहीं सकता कंस। कृष्ण, एक कंस से तो तुम जीत नहीं पाए, अब यहां 8 कंस है, कैसे लड़ोगे हमसे कृष्ण? लड़ेगा नहीं, ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा। पहचानो कृष्ण, वास्तविक कंस कौन है? कृष्ण, ये तो कंस की माया है, किंतु प्रेम के समक्ष माया कैसे टिक सकती है? प्रेम से इस माया का अंत अवश्य होगा। अवश्य राधा, ऐसा ही होगा। अंत होगा इस माया का, प्रेम से होगा कंस। प्रेम से मुझे नहीं हरा पाओगे कृष्ण, मेरे जीवन में प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी प्रेम का अस्तित्व है, बस तुम उससे परिचित नहीं हो। यदि ये प्रेम अशुद्ध हो, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से, तो ये भी दुर्बलता बनता है कंस। तुम्हें प्रेम है अपने सिंहासन से, तुम्हें अपने मुकुट से प्रेम है। कृष्ण, अंतिम क्षण आ चुका है कृष्ण, अंत कर दो इसका। हाँ कृष्ण, अपने माता पिता पर हुए अत्याचारों का प्रतिकार लो कृष्ण। मार दो इसे काना, मार दो। हाँ हाँ कृष्ण, कंस का अंत कर दो। अभी नहीं कृष्ण, अभी नहीं। यदि सत्य में मेरी मृत्यु का क्षण
आ गया है तो मैं अकेले ही नहीं मरूंगा। सारी मथुरा, सारा बरसाना, तुम्हारे माता पिता और वो तुम्हारी राधा मेरे साथ सबको ले जाऊंगा मैं। सब पर मैं एक ही समय आक्रमण करूंगा। संसार का संचालन करता, मैं राधा से प्रेम करता, मैं संसार के हर एक जीव से प्रेम करता और इन सबके प्राण संकट में डालकर तूने हर संभव पाप कर लिया है। तुम्हारी इस माया का अंत अब मैं करूंगा। ये कैसे संभव है? मेरी हर शक्ति, मेरा हर अस्त्र तुम्हारे भीतर कैसे समाहित हो रहा है? कैसे संभव है ये? कैसे? क्योंकि मैं कौन हूं तो नहीं जानता कंस, ना तूने कभी जानने का प्रयास किया है। अंतिम क्षण आ गया है कंस, अब अपने सारे पापों का वहन करना होगा। मेरे माता पिता को तूने बंदी बनाए, जिस प्रकार वो बंद थे आज तू बंद है, जिस प्रकार वो मुक्त नहीं हो पाए आज तू मुक्त नहीं हो पा रहा है कंस। कहां चले? जिनको तूने दीवार पे पटक कर मारा, जितना उनका रकबा
आज तेरा उतना ही रक्त बह रहा है कंस। मथुरा पर अन्याय किया, अपनी क्रूरता से प्रजा को प्रताड़ित किया है। इस पापी कंस को मारो, मारो इस पापी को, मारो इसे। तूने राधा के प्राण लेने के अनेक प्रयास किए, आज हर वो पाप काटा बनकर तुझे चुभेगा कंस। तुम्हें तुम्हारे पाप का वहन करना ही होगा कंस, तुम्हारा पाप ही तुम्हारी मृत्यु लाया है। कृष्ण ना पका सुर तुम्हें मार पाया, दक कायो नाक ना मसूर और ना ही प्रलंबासूर। मेरी हर शक्ति सुन सुन, मैं महाबली कौन से भी तुम्हें मारने में असफल रहा। कैसे कौन हो तुम, कौन? यदि यही जानना तुम्हारी अंतिम इच्छा है तथास्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत Mm-hmm.